अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी पर बैन लगा दिया गया है। सेबी ने इन दोनों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। सेबी ने सोशल मीडिया पर पंप और डंप एक्टिविटी को पकड़ा। आम भाषा में कहें तो किसी शेयर के प्राइस को पहले बढ़ाना और फिर उसे गिरा देना। इस मामले में अरशद वारसी ने 29 लाख रुपए और उनकी पत्नी मारिया ने 37 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। सेबी ने पाया कि कुछ यूट्यूब चैनलों पर गुमराह करने वाले वीडियो के जरिए दो कंपनियों के शेयरों में गड़बड़ी की जा रही थी। लोगों को प्रॉफिट के लिए साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड और शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के शेयर खरीदने की सलाह दी गई थी। इसी के चलते लोगों ने फटाफट इन कंपनियों के शेयर खरीदना शुरू कर दिया। 5 रुपए का शेयर अचानक 33 रुपए का हो गया और फिर अचानक यह शेयर गिरकर 5 रुपए का ही रह गया। इस मामले में जो YouTube वीडियो जारी किए गए थे उनमें निवेशकों को लालच देने के लिए बताया गया था कि साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड को अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है और इसका अधिग्रहण करने जा रहा है। वीडियो में डील के बाद कंपनी का मार्जिन बढ़ने का भी दावा किया गया था। इसके बाद पहले से जिन लोगों ने शेयर खरीद कर रखे थे उन्होंने महंगे दाम पर अपने शेयरों को बेच दिया और इसी तरह निवेशकों को बेवकूफ बना दिया गया। अब सेबी ने वारसी और उनके परिवार के लोगों पर एक्शन लिया है। इसके अलावा सेबी ने वीडियो के जरिए कमाए गए गैर कानूनी प्रॉफिट के करीब 54 करोड़ रुपए भी जब्त करने का आदेश दे दिया है। फिलहाल ऐसा होने के बाद अब हर तरफ अरशद वारसी की जमकर थू-थू हो रही है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।